सियाह निवासी धनियाराम के घर पहुंचे बल के विधायक इंदिर सिंह गांधी ने वृद्ध धनियाराम को हर संभव सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया है। बता दें कि धनियाराम का स्लेट पोस्ट मकान जर्जर हालत में है और बारिश सहित अंधेर तूफान से उसके मकान की छत उड़ गई। सूचना मिलने पर विधायक ने अपनी ऐच्छिक निधि एवं कार्यकर्ताओं के सहयोग से, जिसमें मनोनीत पार्षद रोहित कुमार का योगदान विशेष है, धनियाराम के मकान पर तत्काल चादरों की छत डाल दी। धनियाराम की पत्नी भी लंबी बीमारी से ग्रस्त है। गरीब परिवार का हाल जानने पहुंचे विधायक इंदिर सिंह गांधी ने बताया कि धनियाराम को नगर परिषद से सरकारी योजना के तहत मिलने वाला मकान स्वीकृत हो गया है। सीगर मकान बनाने के लिए आश्वासन दे दिया गया है। उन्होंने पुराने मकान की छत को तिरपाल भी प्रदान किया और गरीब धनियाराम को और उसकी पत्नी की बीमारी होने पर पूरा खर्च भी मुख्यमंत्री राहत कोष से प्रदान करने का आश्वासन दिया। इस अवसर पर उनके साथ भाजपा बल मंडल के उपाध्यक्ष अजय सेन, युवा मोर्चा से करुण वर्मा, बूथ अध्यक्ष ढांबा कश्मीर सिंह व बूथ अध्यक्ष ढांबा से पूर्ण चंद भी मौजूद रहे। आज हमने जो रात को भारी बारिश और तूफान हुआ, उसके जो अंतराल में जो रात को हमारे धनराम जो यहाँ सियाह के निवासी हैं, बहुत गरीब परिवार से हैं, इनकी जो छत ये उड़ गई और जो स्लेट रूप मकान था वो भी गिर गया। इसकी सहायता के लिए हम सब ने प्रयास किया और आगे वाले पोर्शन के लिए हमने चादरें लगा दी। मैं धन्यवाद दूँ यहाँ के स्थानीय जनता का भी, उन्होंने सहयोग किया। मिस्टर अज्जू सैन जी हैं, करण वर्मा जी हैं, हमारे पार्षद रोहित कुमार जी हैं, सबके सहयोग से हमने इस इनका मकान तैयार किया और आज इनको रहने के लिए कर दिया। बाकी मैं नगर परिषद से आग्रह किया कि जो हमारे एसडीएम साहब हैं, धनराम का मकान सर्वप्रथम किया जाए ताकि इनको रहने की व्यवस्था हो सके। और मैं चाहूँगा कि ये मकान इनको इस बार अवश्य मिलेगा। और हमारे यहाँ गरीब परिवार से हैं और इन्होंने इनको हमने दवाइयों के लिए भी कुछ राशि अदा की है सबके सहयोग से, और मैं चाहूँगा कि आइंदा के लिए भी हम इनका सहयोग करते रहेंगे। लेकिन सरकार की तरफ से जो इनका मकान स्वीकृत हुआ है, उसके लिए मैं सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री का बहुत बहुत आभारी हूँ। माननीय सविन चौधरी जी, उन्होंने प्रथम रूपे इनको जो मकान दिया है, धन्यवाद।